महाराजगंज के निचलौल से डॉक्टरों की लापरवाही से एक मासूम की मौत का ताजा मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल थे, उसी दौरान महिला पेशेंट चौक थाने के ग्राम पड़री से आई, जिसको सरदर्द और मामूली बुखार था। इलाज समय से न हो सका और सुबह 7 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल आई 28 वर्षीय शकुंतला नामक युवती की मात्र बुखार से दम निकल गया। परिजनों ने डॉक्टरों के विरुद्ध लामबंद होकर जमकर बवाल काटा, तो वहीं डॉक्टर अग्रेश सिंह पर लापरवाही के साथ 150 रुपए पर इलाज करने की बात बताई। डॉक्टर के प्राइवेट असिस्टेंट को पुलिस मौके से थाने उठा लाई और मामले को शांत करने का भरपूर प्रयास किया, समझा बुझाकर परिजनों को शव सौंप दिया। इस दौरान स्थानीय पुलिस डॉक्टर के पक्ष में कार्य करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजी, जिससे डॉक्टरों के लापरवाही पर कोई कार्यवाही हो सके। मजे की बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अग्रेश सिंह पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप लगा। इससे पहले भी कई जनहित पार्टियों व सामाजिक संगठनों सहित आम लोगों ने मुख्य चिकित्साधिकारी सहित शासन व प्रशासन से शिकायत किया है। हर बार जांच बैठती है पर कार्यवाही के जद में नहीं आते हैं डॉक्टर, कभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऐसा भी नहीं है कि प्रमाण न रहे हों, कई बार प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान सादी पर्ची पर दवाएं लिखने की पर्ची सहित शिकायतें भी हुई हैं, पर डॉक्टर अग्रेश सिंह की पहुंच के आगे सारे साक्ष्य ढाक के 3 पात हो जाते हैं। आज भी जो हुआ वह जिला प्रशासन के मुंह पर कालिख पोतने व प्रदेश की योगी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे स्थानों पर मामूली मलेरिया बुखार जैसी बीमारी से 28 वर्षीय किशोरी दम तोड़ देती है और परिजनों के हंगामा करने पर अपनी कमी को छुपाते हुए डॉक्टर वही घिसी पिटी दलीलें देते हैं। हम इलाज कर रहे थे, हालत बिगड़ती जा रही थी, हमने पूरा प्रयास किया और जब समझ में नहीं आया तो हमने रेफर कर दिया। अब वह मर गई तो इसमें हमारा क्या दोष है? पर हमारा सवाल दूसरा है, अगर सैकड़ों डिग्रियां लेने के बाद भी एक मामूली बुखार का इलाज नहीं कर पाते तो उन डिग्रियों का क्या मतलब? ऐसे डॉक्टरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनाती कैसे दी जाती है? लगातार सैकड़ों संगठनों के लामबंद होने के बाद भी इन पर कार्यवाही क्यों नहीं? राम राज में बुखार से लोग दम तोड़ते हैं तो इससे बेहतर तो लंका ही था, जहां लक्ष्मण को रावण का बाण लगने के बाद भी जान बच गई, जहां रावण की बंदी होने के बाद भी सीता का सम्मान बचा रहा, सीता सुरक्षित रही। इस राम राज में तो बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, ना घर ना बाहर ना हॉस्पिटल में, ऐसे राम और राज से मुक्ति ही बेहतर है। क्या यह कहना गलत है? अगर गलत है सरकार तो यह डिग्रियां भी आपकी हैं और यह डॉक्टर भी आप ही के हैं, फिर आप ही बता दें क्या भारत चिकित्सा क्षेत्र में इतना पिछड़ा है जो आज भी पूर्व पाषाण काल की तरह मात्र बुखार जैसी बीमारी से दम तोड़ देता है मरीज? अगर यह सब गलत है तो डॉक्टर तो आपकी डिग्रियां फर्जी हैं, सरासर फर्जी हैं, यह डॉक्टर नकली है और बेकार है। अब आप ही तय करें ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता है या नहीं है। प्राइवेट में देख रहे थे कौन? अंग्रेज सिंह। तो जब टाइम ओवर हो गया है, मान के चलिए 9:15 हो गया है, तो कह रहे हैं हमारा सरकारी का टाइम हो गया है और फीस दे दीजिए और हम सरकारी में 1 रुपये पर्ची कटा लीजिएगा, हम उसी में देख लेंगे। कैसा पेशेंट था आपके पेशेंट को, क्या हुआ था? बुखार हुआ था, पेट उठ हल्का फुल्का दस्त था, तो जब देखे हैं तो कह रहे हैं कि एक बोतल और 3 इंजेक्शन देना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। हम कहें ठीक है कर दीजिए। तो एडमिट करने के बाद जब एक बोतल और 3 इंजेक्शन दे दिए हैं तो उसको एकदम ठंडा होने लगा है, दहिया कांप रहा था। तो उसके बाद हम फिर उनको दिखाए अंग्रेज सिंह को, तो कह रहे हैं कि 2 इंजेक्शन और देना पड़ेगा। अब और पहले बुखार था लेकिन आप बताए नहीं हैं, लेकिन हम उनको बताए थे कि बुखार है, तो कह रहे हैं 2 इंजेक्शन और दे दीजिए और सही हो जाएगा। तो 2 इंजेक्शन और लाए हैं,
दो इंजेक्शन जब दिए हैं तो कांपना तो सही हो गया है, लेकिन अब उसका दिमाग आउट हो गया है। हाँ, और बकने लग रही है, ये है वो है, दुनिया का पानी मांग रही है, पानी देने पर अब फेंक दे रही है। तब तक वो कह रहे हैं कि जाइए रेफर कर देना है महाराजगंज के लिए। कई बजे कहें ये बात? अरे बात कहें 1 बजे के टाइम। आप आए कब थे हॉस्पिटल पे? सुबह 7:30। वही दो इंजेक्शन लगने के बाद वो पागल हो गई है। हाँ। रहने वाले हैं हमारे बगल की वो लड़की। किस तरह की घटना आज आपके? पहले उसको बुखार था हल्का फुल्का, उसको जब ला करके लोग दिखाए हैं तो 9-9:15 बजे तक समय नहीं मिला है उनको। फिर वो बोले हैं कि हॉस्पिटल में हम देखेंगे। हॉस्पिटल में आने के बाद वह बोतल चढ़वाए हैं, उसके बाद फिर बोले हैं 2 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन लगाने के बाद वह लड़की पागल हो गई है। तब तक वह रिफर नहीं किए हैं जब तक वह मर नहीं गई है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही है, यहाँ कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, ना तो कोई दवा करने वाला है। यहाँ अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप सब लोग कंपाउंडर हैं, यही लोग सब लोग दवा करते हैं, डॉक्टर लोग आराम करते हैं। जो लड़की का डेथ हुआ है उसका क्या नाम था, क्या उम्र था? उम्र तो उसका शकुंतला नाम है और 28 साल का उम्र है। शादी ये बताइए क्या प्राइवेट में डॉक्टर साहब देखते समय आपसे फीस भी प्राइवेट का लिए हैं? लिए हैं। कितना? 150 रुपया फीस लिए हैं और लड़की को देखे हैं हॉस्पिटल में। लड़की की शादी हो गई थी क्या? नहीं, हाँ शादी हो गई थी। कहाँ हुआ है शादी? नहीं, शादी हो गया है, फिर वो शादी गड़बड़ भी हो गया है। अच्छा, अब वो उसका दूसरा शादी होता है इस समय। जिसका इलाज अंग्रेज सिंह कर रहे थे और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके परिजन डॉक्टर साहब को मारने के लिए यहाँ पे बहुत भारी संख्या में सबको घेर लिए थे, डॉक्टर साहब को भी मारने के लिए दौड़ाए हैं। ये किस बीमारी से ग्रसित थी? डॉक्टर साहब से बात हुई है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सेरेब्रल मलेरिया थी, सेरेब्रल मलेरिया की वजह से ही मृत्यु हुई है। और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई। उनके एक आरोप और है कि डॉक्टर साहब पहले उनसे 150 रुपया प्राइवेट में फीस लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फीस लिए हैं, और आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हर मरीज़ चाहता है कि हमारा इलाज जो है वेंटिलेटर पे हो, PGI में हो, तो इसलिए से आजकल ज़्यादातर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और आज तक तो ये भी पेपर में निकला है कि बिहार में और कई जगहों पर डॉक्टर हेलमेट पहन के इलाज कर रहे हैं मरीजों का। जब वो आई है सुबह 7 बजे आई थी और 3 बजे उसका डेथ हुआ है, ऐसी स्थिति में केस डेंजरस था तो रेफ़र कर देना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, रेफ़र किया भी गया है, लेकिन चूंकि मरीज सीरियस हुआ है उसी दौरान, तो इस तरह का भी नियम है कि हम सीरियस मरीज ज़्यादा है तो उसको एम्बुलेंस में मरने के लिए हम छोड़ नहीं सकते हैं एम्बुलेंस में। लगातार निचलोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर अंग्रेज सिंह का नाम आता है प्राइवेट प्रैक्टिस का, इस पर कब लगाम लगेगा? देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस का नाम इसलिए भी आता है कि मरीज उनके पास ज़्यादा हैं, ज़्यादा वो मरीजों का इलाज भी करते हैं, तो वो रात में भी मरीज उनके पास आते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास भीड़ ज़्यादा रहेगी उनके पास थोड़ी शिकायतें भी ज़्यादा होंगी, और जो डॉक्टर इलाज करते हैं उनसे मरीज नहीं भी ठीक होते हैं तो शिकायत भी करते हैं। जो आप रोग बताएं उसको मलेरिया, क्या उसके लिए पेटेंट इलाज की यहाँ व्यवस्थाएँ हैं? पेटेंट इलाज की व्यवस्था है, और अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो इसके बाहर भी जाने की व्यवस्था है। महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट।